अरुण कुमार आहूजा एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्माता भी है। 1950-1940 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड फिल्म उद्योग में 20 से अधिक फिल्मों में काम किया था। उन्हें 1940 के दशक की महबूब खान की फिल्म औरत में उनके उल्लेखनीय अभिनय के लिए बड़े पैमाने पर पहचान मिली, जो 1957 में ऑस्कर पुरस्कार विजेता मदर इंडिया की पूर्ववर्ती फिल्म थी। अरुण कुमार को बॉलीवुड फिल्म उद्योग में फिल्म निर्माता महबूब खान द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने उन्हें वर्ष 1939 की एक ही रस्ते में मुख्य भूमिका निभाई थी। अरुण 1940 और 1950 के दशक में 20 से अधिक फिल्मों में सहायक और प्रमुख किरदार निभाते हुए दिखाई दिए। उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक औरत थी, जिसमें उन्होंने सरदार अख्तर के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म को बाद में अधिक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध मेगा हिट मदर इंडिया के रूप में फिर से बनाया गया। उन्होंने अपनी पत्नी निर्मला के साथ 40 करोड़ और सवेरा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। 1950 के दशक की शुरुआत में एक बार जब उनकी भूमिका कम हो गई तो उन्होंने औलाद में अपनी आखिरी फिल्म के बाद अभिनय छोड़ दिया। अरुण कुमार आहूजा ने फिल्म का निर्माण करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके द्वारा निर्मित एकमात्र फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने वाली थी। अपने पारिवारिक प्रोडक्शन की विफलता के कारण उन्हें जो नुकसान उठाना पड़ा, उसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने पूरे परिवार को मुंबई में अपने छोटे से घर स्थानांतरित करना पड़ा। इस दौरान अरुण का स्वास्थ्य खराब रहा और उनकी प्यारी पत्नी निर्मला का 2 बेटे और 4 बेटियों के परिवार का भरण पोषण करने के इरादे से रेडियो पर गायक के साथ टूरिंग कोस्ट में करना पड़ा। अरुण कुमार आहूजा ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद सन्यासी जीवन जिया और साल 1998 में 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जनवरी 1917 को विभाजन पूर्व पंजाब गुजरांवाला भारत में हुआ था। फिल्म सवेरे में एक दूसरे के साथ काम करने के बाद अरुण कुमार ने वर्ष 1942 में अभिनेत्री और गायिका निर्मला देवी से शादी की। वर्ष 1994 में निर्मला की मृत्यु तक इस जोड़े का विवाह हुआ था। उनके 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। बेटियां के नाम पुष्पा कामिनी और पद्मा थे। एक और बेटी थी जिसका नाम अभी भी अज्ञात है। उनके बेटे निर्देशक और अभिनेता है, जिनका नाम प्रीति कुमार है, और सबसे छोटे बेटे अभिनेता है, जिनका नाम गोविंदा है। अरुण कुमार प्रसिद्ध अभिनेता कृष्णा, अभिषेक, विनय आनंद, आरती सिंह, रागिनी खन्ना, टीना आहूजा और शोभाया सेठ के दादा है। उनकी बेटी पद्मा आरती और कृष्णा की माँ है, जिनकी आरती को जन्म देने के बाद 1980 दशक में मृत्यु हो गई थी। अरुण कुमार आहूजा 1940 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता थे। वह सुपरस्टार गोविंदा और पूर्व अभिनेत्री प्रीति कुमार के पिता है। उनका जन्म गुजरांवाला पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। अरुण कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें आमतौर पर रिटर्न ऑफ तूफान मेल, एक ही रास्ता और अदालत फिल्मों के लिए जाना जाता था। अभिनेता की शादी निर्मला देवी से हुई थी, जिनकी मृत्यु 3 जुलाई 1998 को हुई थी। 1940 के दशक में कई फिल्मों में सहायक प्रमुख भूमिका निभाने के बाद अरुण 1950 के दशक की शुरुआत में फिल्म निर्देशक बन गए। भले ही उनके छोटे बेटे गोविंदा सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार बन गए, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे सिल्वर स्क्रीन से दूर रखने का पक्ष लिया। अरुण कुमार आहूजा एक भारतीय अभिनेता निर्माता थे, जिनका जन्म 7 जनवरी 1917 को गुजरांवाल में हुआ था। 3 जुलाई 1998 को अरुण कुमार आहूजा का निधन हो गया। अरुण कुमार आहूजा की मौत का कारण हार्ट अटैक था। जब अरुण कुमार आहूजा का निधन हुआ तब 24 वर्ष के थे। अरुण कुमार आहूजा 5 फीट 8 इंच के थे।